गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अतुल, रितु, फहीम, मनीष, सौरव, राहुल, आनंद, एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है अगर आज की क्लास में। तो आप जानते हैं कि आज इस मई मंथ का लास्ट डे है, 31st of May है आज, और आज हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि जो पूरे महीने हमने 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो डिस्कस किया अपनी क्लास के अंदर करंट अफेयर्स में, वो कितना आप लोगों को क्लियर हुआ, कितना याद है आप लोगों को, ये समझने और जांचने के लिए बेसिकली आज हम टॉप 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऋषभ, छोटू, मिली, एवरीवन, सब कुछ बेहतर है सर। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज हम सिर्फ मई मंथ के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, टॉप 100 करेंगे, लेकिन आने वाला शनिवार जो होगा जनरली तौर पर कल 1 तारीख होगी, यानी कल थर्सडे होगा बेसिकली, तो सैटरडे को 3 तारीख होगी, 3 जून 2023 होगी, और सैटरडे को सुबह 7 बजे हम डेली करंट अफेयर नहीं कर रहे होंगे एक दिन के लिए, बल्कि उस दिन हम कर रहे होंगे जनवरी से लेकर मई 2023 के 5 महीनों का एक रिवीजन कर रहे होंगे, लगभग 2 से 2.5 घंटे की उस क्लास के अंदर मैं कोशिश करूंगा हर एक चीज आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं, 5 महीनों को क्लियर करा दूं आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है जून और जुलाई मंथ के अंदर, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड आपका एग्जाम हो, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन 2023 से पूछी जाएगी वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी, और वो RYP YouTube चैनल पर होगी बेसिकली सुबह 7 बजे। चलिए भाई, तो आज की शुरुआत करते हैं क्लास की, और एक चीज याद रखिएगा, आज क्योंकि मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं आप लोगों को, आप सिर्फ आंसर करेंगे मुझे, हर एक क्वेश्चन के साथ बताएंगे कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, एस या बी या डी, सी या डी, और लास्ट में जब क्लास कंप्लीट होगी हमारी तब आप मुझे यह भी बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही और कितने गलत किए हैं, और जो गलती है वो अगली बार सही होना चाहिए। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं क्लास की, और पहले वीडियो के साथ बात करने वाले हैं सर, RYP का मतलब है राकेश यादव पब्लिकेशन, जो कैरियर विल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है भाई। चलिए भाई, सपना, अर्चना, श्रीकांत, एवरीवन, एक बार जल्दी से यस कह दीजिए और पहले क्वेश्चन के साथ आंसर करना शुरू कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने एक नई किताब स्मॉग एंड एशेज नाम से लिखी है? पहला क्वेश्चन, इसे पढ़ेंगे आप लोग और जल्दी से आंसर करेंगे, ये किताब स्मॉग एंड एशेज किसके द्वारा लिखी गई है? तब आपका आंसर क्या होगा, विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी है, अरविंद अडिग या अमिताभ घोष की किताब है। तो सलमान रुश्दी की भी एक किताब आई थी, और आपको याद होगा विक्ट्री सिटी के नाम से वो किताब आई है, लेकिन इसका सही आंसर होगा डी, अमिताभ घोष। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या हमारे पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए नर्सिंग कॉलेज को स्थापना करने की मंजूरी दी है? नए नर्सिंग कॉलेज कितने बनेंगे हमारे देश के अंदर, और इसके लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? 155, 156, 157 या 158? सही आंसर क्या होगा, तो 157, 157 नए नर्सिंग कॉलेज भारत में बनने वाले। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति के तहत चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे, नेशनल मेडिकल पॉलिसी डिवाइस के तहत भारत में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाएंगे भारत के 4 राज्यों के अंदर, और ये 4 राज्य कौन से होंगे, यानी जहां पर आप कहोगे सर ये एक तरह से फार्मा पार्क होंगे, जहां पर मेडिसिन और मेडिकल से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको डेवलप किया जाएगा, उनका एक हब क्रिएट किया जाएगा भारत में। तो कहां पर हो सकता है सर ये? 4 बनेंगे भारत में, से एक हिमाचल में होगा, एक मध्य प्रदेश में होगा, तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में होगा, यानी यहां 4 जो आंसर आपके पास करेक्ट होंगे हिमाचल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, क्या है हमारे पास, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नमो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च खोला गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर आप देखेंगे नमो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के नाम से कहां पर शुरू किया गया? आपको ट्राई करना है कि कौन सा यूनियन टेरिटरी या फिर ये राज्य हो सकता है, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, क्योंकि अभी ये एक हो चुका है पूरा, 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे कभी, ये दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी में आता है, दिल्ली तो बेसिकली NCT कहलाता है, जम्मू कश्मीर या फिर अंडमान निकोबार। तो आपका आंसर होगा नमो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के नाम से बनेगा जम्मू कश्मीर के अंदर। कहां पर बनाया जाएगा इसे? जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया जाएगा,
ये याद रखिएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसने रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक को लिखा है? रिफ्लेक्शन नामक एक पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या होगा? अभी आपने याद किया है सर, अमिताभ घोष नहीं हो सकते क्योंकि इनकी रिसेंटली किताब आपने पढ़ी है स्मॉग मैनेजेज के नाम से, और बोरिया मजूमदार भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने सचिन तेंदुलकर के जीवन पर, सचिन तेंदुलकर के 50 साल पूरे होने पर सचिन @50 नाम से किताब लिखी है, यानी ये दोनों पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका नारायण वगुल जो होंगे, उन्होंने रिफ्लेक्शन नाम की किताब को इस बार लिखा है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारे पास, LIC के MD और पहले CEO के रूप में, यानी कि मुख्य तौर पर आप कहो कि सर LIC के अध्यक्ष या चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? रजनीश कर्नाटक है, केजाद भरूचा है, रत्नाकर पटनायक या सिद्धार्थ मोहंती? तो याद रखिएगा LIC के जो नए अध्यक्ष होंगे, जो MD एंड फर्स्ट CEO होंगे, सिद्धार्थ मोहंती। तो LIC एकमात्र भारतीय जीवन बीमा कंपनी है जो कि सरकारी कंपनी 1956 से भारत में काम कर रही है, 1956 से होगी। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? यह फॉर्मूला वन यानी कि कार रेस होने वाली है, और जो कार रेस होंगी ये भारत में अलग अलग लोकेशंस पर और दुनिया भर में अलग अलग लोकेशंस पर होंगी। तो इससे पहले हम देख चुके हैं कि अलग जो कार रेस है उसमें मैक्स वेस्टपन जीते हैं ज्यादातर, लेकिन इस बार कौन जीता याद रखिएगा, तो अजरबैजान में होने वाली ग्रैंड प्रिक्स 2023 को सर्जियो पेरेज ने जीता था। राइट आंसर क्या होगा यहां पर, सी हो जाएगा, सर्जियो पेरेज ने जीता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 180 देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? लास्ट ईयर भारत की रैंक 150 थी, यहां पर सारे देशों की बात अगर हम करें लगभग 180 देश लास्ट ईयर भी थे, लेकिन भारत की रैंक 150 थी। अब की बार आपकी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, क्योंकि 3 मई को रिलीज की जाती है जिस दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी मनाया जाता, हमने याद किया है, और फिलहाल भारत की रैंक इसमें 161 हो चुकी है 180 देशों में। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड बैंक जो कि अमेरिका के वॉशिंगटन में है और इसमें नियुक्त होने वाले पहले इंडो अमेरिकन है ये, क्योंकि अमेरिका से रिलेट करते हैं लेकिन ये मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हैं, इनका नाम क्या होने वाला है? तो याद रखिएगा सिद्धार्थ मोहंती नहीं हो सकते सर, क्योंकि ये तो LIC के बने अभी रिसेंटली। डेविड मेल्पस नहीं हो सकते, ये तो पहले वर्ल्ड बैंक के थे, दोबारा से नहीं बने हैं यहां पर। तो सही आंसर होगा अजय बांगा, वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट होंगे। कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि जो कोयला बनाने वाली कंपनी है, भारत की सबसे ट्रस्टेड कंपनी जिस पर सबसे ज्यादा लोग विश्वास करते हैं अगर सरकारी कंपनियों में, और उसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सही आंसर क्या होने वाला है, देखो ट्राई करना है आपको यहां पर सर, सिद्धार्थ मोहंती नहीं हो सकता क्योंकि आपने ऑप्शन दिया ये LIC के बने हैं। अनंत महेश्वरी नहीं हो सकते, हम आगे पढ़ेंगे सर, जब नेस्कॉम पढ़ते हैं जो नेस्कॉम नाम का संगठन है वो बने हैं इसके बेसिकली, अनंत महेश्वरी तब हो जाएंगे। अब यहां पर नाम बचता है अजीत कुमार मोहंती या फिर PM प्रसाद के नाम से, तो क्या राइट आंसर होगा भाई, जल्दी से आपको सोचना है। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन होंगे? PM प्रसाद होंगे। ये सबसे ट्रस्टेड सरकारी कंपनी भी है, याद रखिएगा PM प्रसाद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस राज्य ने मैन्युफैक्चरिंग में सबसे इनोवेटिव स्टेट के रूप में यहां पर टॉप किया है, मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इन मैन्युफैक्चरिंग? ये आपको सोच के बताना है मैन्युफैक्चरिंग का सबसे इनोवेटिव स्टेट कौन सा होगा, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर बिहार? होपफुली बिहार तो आंसर हो नहीं सकता सर, इसको तो भूल ही जाइए, यहां पर कर्नाटक, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु में पॉसिबिलिटी बनती है, और यहां सबसे ज्यादा इनोवेटिव स्टेट के रूप में कर्नाटक को चुना गया है। भाई यहां पर ए ऑप्शन सबसे ज्यादा लोगों ने बताया, वही इसका राइट आंसर होने वाला है, कर्नाटक मोस्ट इनोवेटिव स्टेट होगा मैन्युफैक्चरिंग में। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 आई है, इसके अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है? तो भारत में लगभग कितने परसेंट लोग हैं जो फिलहाल इंटरनेट का यूज कर रहे हैं या यूज कर सकते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है उनके पास? तो यहां पर आंसर 52%। देखिए बहुत सारे लोग बता रहे हैं, अविनाश, बबली, पवन, एवरीवन, 52% भारतीयों के पास इंटरनेट फैसिलिटी है। भारतीय वायुसेना के नए डिप्टी चीफ कौन बनाए गए? एयर स्टाफ के अंदर
डिप्टी चीफ का नाम क्या होने वाला है? आशुतोष दीक्षित होंगे, वी आर चौधरी होंगे, अमरप्रीत सिंह होंगे या फिर संदीप सिंह होंगे। ये एयर स्टाफ के यानी हमारी एयरफोर्स के डिप्टी चीफ होंगे। सर वी आर चौधरी नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि विवेक राम चौधरी जो है वो ऑलरेडी यहां के चीफ हैं, ये डिप्टी नहीं बन सकते। तो यहां पर आंसर होगा आशुतोष दीक्षित, ये एयर स्टाफ के डिप्टी चीफ बने हैं भाई। 36 साल की असाधारण सेवा के बाद हाल ही में किस भारतीय नौसेना के जहाज को डीकमीशन्ड कर दिया गया है, यानी कि यहां पर उसको सेवा क्या कहते हैं उसे, उसकी सेवा समाप्त कर दी गई है, सेवा मुक्त कर दिया गया, उसको डीकमीशन्ड कर दिया गया है। ऐसा जहाज जो 36 साल से इंडियन नेवी के पास था लेकिन अब नहीं रहेगा, ये कौन सा होने वाला है? तो यहां पर याद रखेंगे सर, INS मगर के नाम से था, जो फिलहाल इसके काम को पूरा कर दिया गया, इसकी डीकमीशन कर दिया गया। किस राज्य के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 2000 वर्ष पुराने आधुनिक समाज की खोज की गई है? एक पूरा शहर बसा हुआ मिला है कि 2000 साल पहले वहां कोई शहर हुआ करता था, जनरली बहुत सारी चीजों को खोजा गया यहां पर। और ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां पर होगा? और मैं आपको बताऊं, भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी जो होगी, जो आपने देखा गुब्बारा ऊपर की तरफ जाता है एक बलून की शेप में और नीचे से आग यानी हॉट एयर होती है वहां पर, और ऐसा जो है वो भी बांधवगढ़ में ही है सर, और बांधवगढ़ पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश में ही वो भी नेशनल पार्क है जहां पर साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीते लाए गए थे और उनको भारत में एक नेशनल पार्क के अंदर रखा गया मध्य प्रदेश के अंदर। किस राज्य सरकार ने अनुवर्त कार्रवाई की निगरानी के लिए ई समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में 2023 के मई मंथ में ई समीक्षा पोर्टल शुरू करने वाला नेशनल पार्क सॉरी राज्य कौन सा हो सकता है? तो यहां पर आपको याद रखना है भाई, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर राजस्थान। ई समीक्षा यानी सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया यहां पर, और यह फिलहाल फैसला हुआ है हरियाणा के अंदर, ई समीक्षा पोर्टल हरियाणा का होगा। बाइडेन सरकार में यानी अमेरिका की सरकार में डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर के रूप में कौन चुना गया है? डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर के रूप में यहां पर सीनियर पर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया एक भारतीय मूल की महिला को, और यह कौन हो सकती है भाई? क्या लगता है आपको आंसर कि भारतीय मूल की वो महिला जो कि अमेरिका में डोमेस्टिक पॉलिसी के एडवाइजर होंगी, उनका नाम क्या होगा? तो याद रखेंगे नीरा टंडन होंगी इसमें। क्या नाम होगा? नीरा टंडन होंगी। देखो अप्सरा अय्यर कौन होंगी सर? हार्वर्ड लॉ यूनिवर्सिटी का जो रिव्यू है वहां पर उसकी प्रेसिडेंट बनी है अप्सरा अय्यर। तो अप्सरा का संबंध भी है अमेरिका से, लेकिन वो एक यूनिवर्सिटी की हेड बनी है, ना कि अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से बताइए मुझे, हाल ही में भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र यानी भारतीय वायुसेना का इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर कहां बनाया गया है भाई? ये आंसर क्या होने वाला है? चलिए भाई, तो भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र कहां बनेगा? जहां पूरा एक जिस तरह हर चीज का एक म्यूजियम बन रहा है हमारे पास, और यह बनेगा चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ में। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब जो क्रिकेट के नियमों को बनाने का काम करता है, इंग्लैंड के लंदन में है ये, और इसके अध्यक्ष के रूप में जो बने हैं वो कौन होंगे? तो याद रखेंगे भाई, उसका सही आंसर होगा मार्क निकोलस होंगे मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में लिथियम के भंडार पाए गए? और जम्मू कश्मीर भारत का पहला राज्य बना जहां पर लिथियम फाइंड आउट किया गया, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, यह मैंने आपको बताया भी होगा शायद पहले कि यह फेक न्यूज रही है, और इसको लेकर हमेशा सरकार की तरफ से आया कि ऐसा कुछ भी फाइंड आउट नहीं किया गया, लेकिन अगर फिर भी एग्जाम में आ जाता है तब आपको यह पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है सर तो जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान दूसरा होगा, राजस्थान का नागौर जिला होगा जहां पर यह फाइंड आउट किया गया। यह फेक न्यूज है, मैंने पहले भी क्लेरिफाई किया हुआ है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर प्राइज 2023 किसने जीता है? जो अलग अलग फील्ड में पुलित्जर प्राइज आप जानते हैं दिया जाता है, और यह अमेरिका के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, एक बेहतरीन अवार्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इस बार के फिक्शन के डिग्री के लिए जो अवार्ड मिला गया है, यहां पर एक नाम इस तरह से बारबरा याद रखेंगे और दूसरा नाम हरनाज को याद रखेंगे, बेसिकली हरनान डियाज, तो ये दो वो व्यक्ति होंगे जिनको पुलित्जर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड द्वारा 2023-22 के लिए स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन चुना गया, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया, और ये वो खिलाड़ी जिसने अपनी टीम को फीफा वर्ल्ड कप जितवाया है। और आपको अंदाजा होगा सर कतर में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता, जिसने अपनी टीम को जीता दिया यहां पर, तो आप कहोगे सर वो खिलाड़ी हुए अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, क्योंकि 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने ही जीता है, लियोनेल मेसी होंगे। कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड लागू करने वाला पहला राज्य बना है, डिजिटल हेल्थ कार्ड लागू करने वाला पहला राज्य बनने वाला, और यहां के सभी बच्चों का एक डिजिटल रिकॉर्ड होगा हेल्थ का, और लगातार स्कूलों में उनके हेल्थ की जांच की जाएगी, और यह पूरा रिकॉर्ड उनके फ्यूचर में काम आने वाला है। तो यह ऐसा करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है उत्तर प्रदेश। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष और एमडी यानी सीएमडी कहेंगे जिन्हें, वो कौन बनी है, और आप जानते हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि बेसिकली फाइनेंस प्रोवाइड करती है पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज को, और ये महारत्न कैटेगरी में आने वाली एक कंपनी है सर। इसकी महिला के बारे में बात करें तो यहां पर परमिंदर चोपड़ा का नाम याद रखेंगे जो पीएफसी की नई सीएमडी बनी है। हाल ही में किस जेल में बंद ईरानी महिला पत्रकारों ने यूनेस्को प्रेस फ्रीडम पुरस्कार जीत लिया है। अभी देखो प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट आई है, प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया और प्रेस फ्रीडम पर एक अवार्ड भी दिया गया, और हम ईरान देश के अंदर एक्चुअली विवाद हिजाब को लेकर चल रहा था, और वहां की तीन महिलाएं जो फिलहाल जेल में बंद हैं, लेकिन उन तीनों के नाम क्या होंगे, नीलोफर याद रखेंगे, इलाहे मोहम्मदी हैं और नरगिस हैं, बस इतना याद रखेंगे। ये तीनों ईरान से रिलेट करती है और इस बार के प्रेस फ्रीडम अवार्ड की विजेता भी होंगी, तीनों आंसर करेक्ट होंगे यहां पर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण दो के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा होगा, यानी गांव में स्वच्छता को लेकर सबसे बेहतर राज्य कौन सा बना है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। तो गांव में सबसे ज्यादा स्वच्छता किस राज्य में रही है, तो याद रखेंगे तेलंगाना इस मामले में नंबर वन रहा है स्वच्छ भारत मिशन 2023 के अंदर। तो कौन सा राज्य नंबर वन पर रहा होगा, और सर ये तो फेक न्यूज बता रहे हैं बिल्कुल, मैंने देखो लिख भी दिया है कि वो फेक न्यूज है वहां पर, इसीलिए मेंशन कर दिया मैंने ताकि आपको ऐसा ना हो कि गलत है, लेकिन हाँ जब न्यूज आई थी उस समय तो हमें भी नहीं पता ही है, फेक न्यूज हर जगह वायरल हो रही थी तो हमने भी उस पर क्वेश्चन बनाया और अभी वो इसमें भी डाल दिया गया, बट कोई बात नहीं है। तो अब बताना है कि ई चालान विवाद के लिए वर्चुअल कोर्ट बनाने वाला फैसला किस राज्य सरकार ने किया है। ऑलरेडी इस राज्य में दुनिया के कई राज्यों में, भारत के अंदर भी कई राज्यों में वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट है, यानी जो भी आपका ट्रैफिक का चालान कटेगा वो ई चालान के रूप में होगा, और रिसेंटली ऐसा किस राज्य में किया गया है, तो रिसेंटली ऐसा किया गया है गुजरात के अंदर, वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट गुजरात में होगा। लार्सन एंड टोरवो नाम की जो कंपनी है उसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, आपको बताना है लार्सन एंड टोरवो के नए अध्यक्ष कौन होंगे। तो देखो अभी यहां पर लिखा है पीएम प्रसाद के नाम से, आपको ये पता होगा सर ये नहीं हो सकते क्योंकि पीएम प्रसाद का नाम तो अभी रिसेंटली हमने किसी और कंपनी के लिए पढ़ा हुआ है यहां पर, तो यहां पर आपको जो पता है कम से कम ये तो कंफर्म हो गया, बी नहीं हो सकता, जो भी होगा इसके अलावा ही होगा। तो याद रखना एस एन सुब्रमण्यम जो होंगे हमारे लार्सन एंड टोरवो कंपनी के नए अध्यक्ष होने वाले हैं। हाल ही में एनआईएफएफ के बारे में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बनाएगा, ट्राई कीजिए सही आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। एस एन सुब्रमण्यम नहीं हो सकते सर, ये तो कंफर्म हो गया हमारे पास, कार्तिक बाला गोपालन है, सिद्धार्थ मोहंती है और राजीव धर है यहां पर, तो याद रखिएगा। देखो एस एन सुब्रमण्यम पॉसिबल नहीं लग रहा सर, सिद्धार्थ मोहंती भी पॉसिबल नहीं है, एलआईसी के बने हैं वो, तो यहां दो बी और डी आंसर में से ही एक निकल कर आएगा, और कार्तिक बाला गोपालन जो है मेरे भाई ये दूसरी कंपनी के बने हैं, ये प्यूमा इंडिया के बने हैं सर यहां पर, तो यहां एनआईएफएफ के बने हैं राजीव धर, सही आंसर होगा डी राजीव धर होने वाला है आंसर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। कॉर्पोरेट अभ्यास का 35वां संस्करण किन देशों की नौसेना के बीच में आयोजित किया गया मई 2023 के अंदर, यानी दो देशों की नौसेनाओं ने मिलकर अभ्यास किया है यहां पर 35वीं बार, 35th ये एडिशन होने वाला है इसका एक्सरसाइज का,
तो फिलहाल भारत और किस देश के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ है? इंडिया और इंडोनेशिया आंसर होगा या इंडिया और थाईलैंड आंसर होगा? जो भी आपको आंसर करना है आप अपना आंसर करते रहिए भाई, जल्दी से बताइए मुझे क्या लगता है भाई आंसर। तो रिसेंटली जो हुआ है सर वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ है। वैसे इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में इससे पहले गरुड़ शक्ति के नाम से हो चुका था, इंडिया और जापान के बीच में हो चुका था, वीर गार्जियन के नाम से इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है, यहां पर मित्र शक्ति के नाम से, सिलिनेक्स के नाम से, लेकिन फिलहाल जो है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में 35वां एडिशन 2023 में किया गया है। वैश्विक महिला मुद्दों के लिए बड़े पैमाने पर भारत ने राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया बताना है यहां पर, और ये सही आंसर क्या हो सकता है कि बड़े पैमाने पर वर्ल्ड लेवल पर जब महिलाओं के मुद्दों को उठाना हो तो उस समय कौन काम करने वाला है भाई? चलिए बताइए भाई, हो सकता है किसी एक दिन के लिए ऑफ हो भाई सुनील, तो आप मुझे बताएं पहले वैश्विक महिला मुद्दों के लिए बड़े पैमाने पर। सर अप्सरा ईयर तो नहीं हो सकती, आपने बताया कि हार्वर्ड लॉ यूनिवर्सिटी से इनका कोई संबंध है। अरुणा मिलर नहीं हो सकती, आपको याद आएगा सर ये अमेरिका के एक राज्य की राज्यपाल है, मैरीलैंड राज्य की एलजी बनी हुई। तो यहां दो आंसर बचते हैं जिसमें अगर हम भारतीय ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो गीता राव गुप्ता हो सकती हैं जो एम्बेसडर बनी है भाई। किस राज्य के वुपल्ला परणीत वी परणीत भारत के 82वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए, क्योंकि शतरंज में एक ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिलती है, और ये किस राज्य से बिलोंग कर सकते हैं आपको बताना है जो कि 82वें है भारत के अंदर 82। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं जब मैं आपको पूरे 5 महीनों की करंट अफेयर एक साथ कराऊंगा, तो आपको आंसर याद हो जाएंगे, जल्दी जल्दी चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। तो भारत के ग्रैंड मास्टर वी परणीत होंगे तेलंगाना के। सीबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया आपको बताना है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के अध्यक्ष कौन होंगे? तो याद रखना पीएम प्रसाद नहीं हो सकते सर, ये हमने बिल्कुल कंफर्म कर लिया, ये नहीं हो सकते। प्रवीण सूद को बनाया गया सीबीआई का नया डायरेक्टर जनरल। माई लाइफ एज ए कॉमरेड ये किताब जारी की गई है किसके द्वारा? ये एक ऑटोबायोग्राफी है माई लाइफ एज ए कॉमरेड के नाम से, और ये एक राज्य की स्वास्थ्य मंत्री ने की है सर, ये एक राज्य की स्वास्थ्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर है, और इनको अवार्ड के लिए भी बुलाया गया था लेकिन जाने से मना कर दिया था। और ये है के शैलजा जो कि केरला की स्वास्थ्य मंत्री है, केरला की हेल्थ मिनिस्टर है के शैलजा। हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ट्विटर का नया सीईओ कौन बनाया गया, चलिए बताइए मुझे। तो ट्विटर के नए सीईओ कौन बनाए गए? तो याद रखेंगे नील मोहन नहीं हो सकते सर, ये तो यूट्यूब के हैं, एलॉन मस्क जो है वो तो कंपनी के मालिक है, ऑनर है कंपनी के, तो लिंडा या कैरिनो नाम से होंगी जो फिलहाल वो बनी है ट्विटर की नई सीईओ। बाफ्टा टीवी अवार्ड 2023 में सबसे बेस्ट एक्टर के रूप में कौन चुना गया यहां पर, क्योंकि जो बाफ्टा है वो ब्रिटेन अकेडमी की तरफ से ब्रिटेन के अंदर दिए जाने वाले फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स हैं, और इस बार का बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला वो पूछा है मैंने आपसे यहां पर, तो उनका नाम क्या होगा? बैन विश, जो भी पढ़ेंगे आप इसे प्रोनंसिएशन जो भी हो इस नाम की, और हम पढ़ लेते हैं इसे बैन विशो के नाम से, जो कि इस बार के बेस्ट एक्टर होने वाले हैं भाई। चलिए भाई शिव अविनाश एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं बिल्कुल जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय मिसाइल है जो भारतीय ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को किस भारतीय नौसेना के जहाज से लॉन्च किया जाएगा या किया गया है, अब लॉन्च कर दिया गया यहां पर। तो ब्रह्मोस आप जानते हैं ये भारत और रशिया का एक ज्वाइंट वेंचर है बेसिकली, और इसको भारतीय जहाज से किया जाएगा, उस जहाज का नाम होगा INS मुर्मुगाव, इंडियन नेवी शिप मुर्मुगाव के नाम से, और मैंने बताया भी है कि मुर्मुगाव नाम का एक पोर्ट भी बना हुआ है जो कि गोवा में है, INS मुर्मुगाव। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है या शपथ दिलाई गई? एक्चुअली ये तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस पोस्ट पर, लेकिन फिर भी इनको अभी शपथ दिलाई गई है दोबारा से। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है वो मनोज सोनी है, और इसमें फिलहाल कोई चेंज नहीं है, लेकिन याद रखना होगा दोबारा से इन्हें शपथ दिलाई गई। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI के
नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है, याद रखना, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, क्या लगता है आपको? सर यहां पर माधवीपुरी नहीं हो सकती, मैं आपको बताकर चल रहा हूं, क्योंकि माधवीपुरी बच का नाम अगर आप पढ़ते हैं लगातार तो याद आएगा, ये तो शेयर बाजार चलाने वाले सेबी की संगठन की है। अगर हम देवाशीष पांडा के बारे में बात करते हैं तो याद आएगा ये तो IRDAI के नाम से जो इंश्योरेंस कंपनियों को चलाने वाली संस्था है सर वो है। और बिल्कुल भाई सुमन, टॉप 100 ऐसे ही होता है, जब आप पूरे महीने को एक साथ करोगे तो रवनीत कौर यहां सही आंसर होगा। आज पढ़ना नहीं है मेरी तरफ से बल्कि आपकी तरफ से आपको आंसर आने चाहिए आज कि सही आंसर क्या होना चाहिए। पांडवों द्वारा निर्मित किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को नेशनल मॉन्यूमेंट यानी राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? यह तुंगनाथ मंदिर कहां पर है और इन्हें पांडवों के द्वारा बनाया गया था, यानी इसका मतलब ये किस काल की बात हो रही है, जिस समय महाभारत के बारे में बात कर रहे थे सर हम, उस समय की कहानी है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। द्रौपदी मुर्मू जी जो भारत की राष्ट्रपति है, फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स यानी कि राष्ट्रपति भवन तक, उनका सफर कैसा रहा है द्रौपदी मुर्मू जी का, और इस पर एक किताब लिखी गई है किसके द्वारा? क्या लगता है सही आंसर होगा सर? कस्तूरी रे के द्वारा ये किताब लिखी गई है। अमिताभ घोष नहीं हो सकता था यहां पर, हम जानते हैं कि उनके द्वारा अभी एक स्मोक एंड एशेज नाम की किताब लिखी गई है। कौन सा देश 2022-23 के दौरान अमेरिका और UAE के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना है, यानी भारत अपना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो करता है वो USA को करता है, उसके बाद UAE को करता है, लेकिन उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन आता है सर? तो यहां पर आपका आंसर होगा नीदरलैंड। अमेरिका और UAE के बाद नीदरलैंड नंबर 3 पर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सभी राज्य पुलिस जिलों में ड्रोन से निगरानी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है, यानी हर एक राज्य के अंदर इस जिले के अंदर ड्रोन दे दिए गए पुलिस को, तो बताइए कौन सा होगा? अंदाजा भी लगाओगे तो सही जगह जाकर लगेगा सर, तो केरल के अंदर सभी को ड्रोन दे दिए गए पुलिस को। 14 जिलों में बटा हुआ है पूरा राज्य केरला। भारतीय वायुसेना उपाध्यक्ष कौन बने, और शायद यह सवाल मेरा रिपीट हो गया मुझे लगता है यहां पर, कोई बात नहीं सर, 100 क्वेश्चन ढूंढते समय एक क्वेश्चन रिपीट आ गया है, कोई बात नहीं, लेकिन हम जानते हैं इसका आंसर आशुतोष दीक्षित होगा सर, ये ऑलरेडी कर चुके थे। कौन सा देश जनवरी 2024 में आशियान टूरिज्म फोरम की मेजबानी करने वाला है? आशियान क्या है सर? देखो यहां पर आशियान एक संगठन है जिसका हेड ऑफिस इंडोनेशिया के जकार्ता में है, और यह 11 देशों का संगठन हो चुका है अब, क्योंकि इसमें एक नया देश एड हो चुका है जिसका नाम ईस्ट तैमूर है, और ये 11 देशों का संगठन साउथ ईस्ट एशिया का है बेसिकली भारत के, और इसकी जो बैठक होने वाली है आशियान की जो टूरिज्म बैठक होने वाली है इस बार, वो उस देश में होगी जिसकी राजधानी का नाम है वियंटाइन। अब आप अंदाजा लगाएंगे सर ये वियंटाइन किसकी राजधानी हो सकती है, तो मेरे भाई वियंटाइन राजधानी होगी किसकी? लाओस की राजधानी होगी, वहीं पर मीटिंग की जाएगी, लाओस में होगा। रोजगार गारंटी योजनाओं के तहत श्रमिकों के लिए पहला कल्याण बोर्ड किस राज्य द्वारा बनाया जाएगा, ताकि इस मनरेगा जैसी योजनाओं में जो लेबर क्लास की योजनाओं में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी पेंशन की व्यवस्था की जा सके, जब वो रिटायर होंगे यानी काम करना बंद कर देंगे तब वो अपनी कुछ पेंशन ले सके, और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा जिन्हें श्रमिकों के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाने का फैसला किया है? तो यह राज्य होगा सर केरला। तो केरल राज्य पहला राज्य इसमें होने वाला है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस ने अपना नागरिक सम्मान किसे दिया होगा? अंदाजा लगाएंगे राजेश गोपीनाथन को, एन चंद्रशेखरन, रतन टाटा या फिर ईशा अंबानी। तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया ने दिया है रतन टाटा जी को, ऑस्ट्रेलिया ने रतन टाटा जी को दिया है, और फ्रांस ने एन चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के चेयरमैन है, तो कंफ्यूजन है रतन टाटा जी के नाम में, वो ऑस्ट्रेलिया ने सम्मानित किया है, और नरेंद्र मोदी जी को फिजी और पापुआ न्यूगिनी ने सम्मानित किया है, ऐसे याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। राइट आंसर बी होगा, टाटा सन्स के चेयरमैन है ये। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बच्चों के लिए किस ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया रिसेंटली, और यह बात उत्तर प्रदेश राज्य की हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण बच्चे हैं वो भी ऑनलाइन एजुकेशन का पार्ट बन सकते हैं, और उसके लिए क्या शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, याद रखिएगा इसका नाम रखा गया है पहल योजना।
पहल एक अभियान है, इस पहल के तहत ही ऑनलाइन गरीब बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। हाल ही में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी है जो हमारे पास, जो बेसिकली कीमतों का निर्धारण भी करती है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी का अध्यक्ष कौन बनाया गया है? चलिए भाई आंसर करेंगे, लेकिन हम जानते हैं सर यहां पर रवनीत कौर नहीं हो सकता आंसर, क्यों? ये तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी है। ऐसे ऑलरेडी आपके माइंड में बात सवाल क्लियर होता रहेगा सर, तो ए के जैन होंगे यहां पर जिनको चुना गया है इस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। अंतरराष्ट्रीय ग्लैमर्स प्रोजेक्ट की तरफ से मिसिज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? मिसिज इंडिया 2023 कौन बनी है, ये याद रखना है भाई, क्योंकि मिस इंडिया अलग नाम है, मिसिज इंडिया अलग नाम है, और मिस इंडिया हम जानते हैं 2023 की जो बनी नंदिनी गुप्ता होंगी, वो राजस्थान से बिलोंग करती है, लेकिन मिसिज इंडिया 2023 कौन होंगी जो महाराष्ट्र से मुंबई से बिलोंग करती है, उनका नाम होगा सनिका लहाने। सनिका लहाने मिसिज इंडिया 2023 होंगी भाई। हाल ही में किसने अपने कॉफी टेबल बुक माई लाइफ इन डिजाइन, यानी इसमें लिखा बहुत कम है, फोटोज बनाए गए हैं और इसमें क्योंकि वो डिजाइन पर आधारित है, फैशनिंग पर आधारित है, माई लाइफ इन डिजाइन जो है ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बेसिकली कॉफी टेबल बुक कहा जाता है ऐसी चीजों को, और इसको लिखा है गौरी खान ने जो कि शाहरुख खान की वाइफ है, यहां पर याद रखना, और ये ऑलरेडी 2022 की किताब है, 2021 की किताब है, यानी इसका एक नया वर्जन दोबारा से लॉन्च किया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है आपको बताना है। इस बार के जो राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं 2023 के अंदर, आप जानते हैं क्योंकि 2022 वाले जो राष्ट्रीय खेल थे हमारे वो गुजरात में हुए थे और अब की बार जो होंगे वो गोवा में होंगे, तो 37वें राष्ट्रीय खेल में पंजाब का एक खेल होगा सर जिसका नाम है गटका, पंजाब से रिलेट करता है और ये इसमें ऐड करा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जितनी भी किताबें आई हैं जनवरी से लेकर मई तक हम सबको रिवाइज करेंगे एक बार, लेकिन फिलहाल आपको बताना है 2023 के अंदर आई किताब सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखना सही आंसर होगा डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा लिखी गई, बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 52 का। हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में कितने लोग आते हैं, तो 33 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि टोटल सर्वोच्च न्यायालय में 34 जज होते हैं भारत के, और उनमें से अभी चीफ जस्टिस का नाम तो हम जानते हैं यहां पर डी वाई चंद्रचूड है, लेकिन प्रशांत मिश्रा यहां पर एक नाम आएगा और दूसरा नाम होगा के वी विश्वनाथन, और यहां पर ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। दो नए जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की, और आपको बताना है कि इसके तहत आपको डिफरेंट स्किल से रिलेटेड प्रोग्राम सिखाए जाएंगे ताकि आप बेहतर जॉब करने के लायक बन जाए, तो कौन सी राज्य सरकार होगी भाई? चलिए भाई जल्दी से बताइए, और उसका बिल्कुल मिलेगा भाई, हर एक एग्जाम में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, और एसएससी वाले तो जितने भी एग्जाम देकर आ रहे हैं भाई, हमारी साथ जो पढ़ते हैं वो टॉप 100 ही लेकर आते हैं, टॉप 100 ही करते हैं मोस्टली, और उनसे ही उनका काम बन जाता है। तो यहां पर आप कहोगे बेरोजगार युवाओं के लिए यहां पर जो शुरुआत की है ये मध्य प्रदेश ने की है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के नाम से। अखिल भारतीय नाट्य परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है, और ये मराठी भाषा में है यानी महाराष्ट्र के अंदर है, जो वहां के लोगों को सिखाता है, अखिल भारतीय नाट्य परिषद कहलाता, और इसके अध्यक्ष कौन हो सकते हैं भाई? बिल्कुल मिलेगा भाई तनु, इसके यहां पर प्रशांत दामले यहां सही आंसर होगा सर। भावेश गुप्ता नहीं हो सकता, ये तो पेटीएम के बने हैं। परवीन सूद नहीं हो सकता सर, ये तो अभी आपने बताया सीबीआई के बने, और मनोज सोनी भी नहीं हो सकते, ये आपने बताया यूपीएससी के बने हैं, बेहतर आंसर हो गया प्रशांत दामले। हाल ही में किसने सस्ता भोजन वितरण ऐप वायु लॉन्च किया है, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर भी है और साथ में इन्वेस्टर भी है, पैसा भी लगाया इन्होंने, तो सब फूड मिलने वाला है, बिल्कुल क्वेश्चन था और क्वेश्चन रहेगा, दोबारा पूछेगा किसी एक ने सवाल पूछा सर ये वायु ऐप के नाम से आया था, और ये सुनील शेट्टी का है, कहां का है? सुनील शेट्टी का है भाई। हाल ही में भारतीय नौसेना की अंतिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी यानी सबमरीन, मैंने बताया था
प्रोजेक्ट 75 के तहत आपको याद रखना है कि 6 पनडुब्बी बनाई गई है, उसमें सबसे आखिरी वाली छठी पनडुब्बी का नाम क्या होगा। तो पहली तीन पनडुब्बी का नाम के से शुरू होता है और आखिरी तीन पनडुब्बियों का नाम वी से शुरू होता है, तो यहां पर एक नाम होगा वगशीर के नाम से। कौन सी होगी? वगशीर नाम की अंतिम यानी छठी पनडुब्बी होगी। आरबीआई ने कब तक 2000 के नोटों को जमा करने या एक्सचेंज करने का निर्देश दिया है? 2000 की नोट जो कि मेजेंटा कलर से लाई थी सरकार 2016 की नोटबंदी के बाद, फिलहाल इसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं या बैंक में जमा कर सकते हैं 30 सितंबर 2023 तक। ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? और यह WHO की तरफ से दिया गया अवार्ड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाने वाला अवार्ड है ये, और ये दो लोगों को मिला जिसमें एक का नाम पीटर पायोट है और एक का नाम मुएम्बे टम्फुम, जो भी इन्हें पढ़ा जाएगा, लेकिन WHO के डायरेक्टर का नाम है टेड्रोस एडनोम, जिन्होंने इस सम्मान को दिया है इन दोनों लोगों को। तो ए और बी यानी ये दोनों आंसर करेक्ट होंगे ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड के रूप में। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अपने तीर्थ यात्रियों को हवाई यात्रा कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, जिसने तीर्थ यात्रियों को हवाई जहाज के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अलाहाबाद में भेजा था यानी प्रयागराज में भेजा था। तो ये प्रयागराज आने वाले किस राज्य के तीर्थ यात्री थे? मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्री। कहां से आएगा? मध्य प्रदेश से होगा सर। किस वर्ष को नेपाल में स्पेशल टूरिज्म ईयर के रूप में मनाया जाएगा, यानी यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्पेशल टूरिज्म ईयर घोषित किया 2023 के अंदर, और यह होगा 2025 नेपाल सरकार के द्वारा। फिजी और पापुआ न्यू गिनी देश द्वारा किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया अपने, और मैंने बताया दोनों छोटे देश है दुनिया के और ये दोनों देशों ने हाल ही में मोदी जी को सम्मानित किया, प्रधानमंत्री मोदी जी को, यानी फिजी और पापुआ न्यू गिनी का सम्मान मिला है। संयुक्त राष्ट्र की SDG प्रक्रिया जो होती है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य, जो कि 17 लक्ष्य पूरे करने दुनिया के हर देश को, दुनिया के हर शहर को, और शहरों में भारत का पहला शहर जिसने SDG के प्रोसेस को अपना लिया है वो कौन सा होगा? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होगी सर। भोपाल में SDG प्रक्रिया अपनाने वाला पहला बना है। किस देश में 5000 साल पुराने ग्रेट ग्रैंडफादर नाम के पेड़ को आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे पुराना पेड़ के रूप में मान्यता दी और उसको नाम दिया है ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी दुनिया का सबसे पुराना पेड़ होने वाला ये किस देश में हो सकता है? भाई जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए आपके सर। ये चिली देश में होगा। कहां पर होगा? चिली देश में होगा। हाल ही में सरकार ने कितने नए FPO यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, FPO जहां पर जनरली तौर पर किसानों से संबंधित होंगे, एग्रीकल्चर से, फार्मर से रिलेटेड नए FPO बनाने का फैसला किया, तो याद रखें 1100 नए FPO बनाए जाएंगे सरकार के द्वारा कोऑपरेटिव सेक्टर को बेहतर करने के लिए। किस राज्य ने महिलाओं के कार्यस्थलों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए साहस नाम की एक योजना शुरू की है, जहां महिलाएं काम करती है जिन कंपनीज के अंदर, जिन फैक्ट्रीज के अंदर, जिन ऑफिस के अंदर, यानी जो उनका वर्क प्लेस होगा वहां पर उनको सिक्योरिटी फील होनी चाहिए, और ऐसा करने के लिए साहस नाम का अभियान चलाया है, और यह चलाया किसने? तेलंगाना सरकार ने। तो साहस अभियान को चलाने वाला राज्य तेलंगाना होगा। हाल ही में किस देश की रायन्ना बरनावी, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, क्योंकि अरब में पहली महिला है जो अंतरिक्ष यात्री बनी, और ऐसा ये कौन से देश की हो सकती है? अरब देशों में बहुत सारे देश आते हैं, उनमें से आप कहोगे कि सर एक देश का नाम होगा सऊदी अरब। कौन होगा? सऊदी अरब होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय के रूप में कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को नंबर वन मिला है? याद रखना, अगर सारे राज्यों का जिक्र किया जाएगा, सारे राज्यों में सबसे ज्यादा अवार्ड मिले कौन नंबर वन रहा, तो मध्य प्रदेश। लेकिन स्थानीय निकायों की बात करें, अर्बन लोकल बॉडीज की बात कर रहे हैं सर, तो अर्बन लोकल बॉडीज के मामलों में बात करें तो चंडीगढ़ होगा, और अगर पूछ लेता सारे राज्यों में बेस्ट कौन होगा तो मध्य प्रदेश है इस बार के लिए, पिछली बार उत्तर प्रदेश था। तो याद रखिएगा आपकी बार चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश होंगे। किस भारतीय एथलीट ने
गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 में कांस्य पदक जीत लिया है। तो गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 हुई है जो, उसमें कांस्य पदक जीता है भारत की किस एथलीट ने? तो भारतीय एथलीट जिन्होंने गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स जीती है, यहां पर याद रखें, उनका आंसर होगा शैली सिंह ने जीती है। सर शैली सिंह भारतीय एथलीट होंगे इसमें जीतने वाली। किस भारतीय ने पहली बार पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में यानी जैवलीन के अंदर नंबर वन की रैंकिंग प्राप्त की है? तो भारतीय जैवलीन थ्रो करने वाले नंबर वन खिलाड़ी कौन बने हैं सर? तो ये हम जानते हैं, एक ही खिलाड़ी इस लेवल पर पहुंचे अभी तक हमारे, नीरज चोपड़ा, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है हमारे टोक्यो ओलंपिक 2020 के। किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित स्मारक सूची में शामिल कर लिया है? यानी कि यहां पर इसको संरक्षित किया जाएगा, इसको बचाया जाएगा, क्योंकि मंदिर की हालात मतलब धीरे धीरे खराब होती रहती है अगर उसको सही ना किया जाए। तो यहां ASI इस कपिलेश्वर मंदिर को करने वाली, और इसका कहां पर होगा? यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगा। सही आंसर है उड़ीसा में होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी IOM, जिसे हम IOM कहते हैं, माइग्रेशन यानी कि शरणार्थी जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और हम जानते हैं सर, यहां पर आपने बताया अरुणा मिलर का नाम नहीं हो सकता और लिंडा या करीनो का नाम नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों ऑलरेडी किसी अलग संस्था का पार्ट बने हुए हैं। तो IOM नाम के संगठन की अध्यक्ष बनी है एमी पॉप। क्या आंसर होगा सर? एमी पॉप। अरुणा मिलर जो है वो तो हम जानते हैं अमेरिका की एक राज्य की राज्यपाल बनी है, उपराज्यपाल बनी है अरुणा मिलर, उस राज्य का नाम है मैरीलैंड। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो त्रिपुरा का जो राज्य सरकार है, और वहां पर आप जानते हैं इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी है, और वहां के नए मुख्यमंत्री जो उससे पहले से बने हुए हैं, वैसे वो मणिक साहा हैं, और त्रिपुरा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सौरव गांगुली को। भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 से अधिक ब्रॉड गेज इंजन सौंप दिए हैं? यहां पर यानी भारत के जो पुराने ब्रॉड गेज इंजन थे 20 इंजन वो हमने दे दिए किस देश को? अपने पड़ोसी देशों में सर, बांग्लादेश को, जिसके साथ भारत अपना सबसे लंबा बॉर्डर भी शेयर करता है, 4096 किलोमीटर लगभग हम भारत बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ताइक्वांडो इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ताइक्वांडो जो कि कोरिया का मुख्य तौर पर एक खेल है और भारत में भी ये खेला जाता है, लेकिन इसके अध्यक्ष के रूप में कौन होंगे? तो याद रखना अर्जुन मुंडा नहीं हो सकते हैं सर, ये आर्चरी यानी जो तीरंदाजी होता है उसके खेल है। अनिल जैन भी नहीं हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि अनिल जैन टेबल हमारा जो टेनिस होता है, बेसिकली लॉन टेनिस ही कहते हैं उसे हम लोग, उसके बने हैं। और नामदेव शिरगांवकर जो होंगे वो ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष होंगे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप लोक की स्थापना कहां की जाएगी? कौन सी राज्य सरकार? भोपाल में। जब क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया, भोपाल ही लिख दिया क्वेश्चन में, तो फिर तो बचा ही नहीं सर, तो ये सवाल आसान बन गया भोपाल लिखने की वजह से, कोई बात नहीं है, लेकिन हम जानते हैं ये मध्य प्रदेश की सरकार भोपाल में करेगी। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाया जाएगा राजस्थान के द्वारा, एक बोर्ड भी बनेगा राजस्थान सरकार द्वारा, क्योंकि अभी हाल ही में महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई गई है, उस पर ये फैसले किए गए। किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च की है? ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा होगा? तो हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेगा और अपने राज्य को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाएगा 2025 तक। हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? उनकी किताब टाइम शेल्टर को लेकर, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज बहुत बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड है, और इसे लिखा है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव ने, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया है एंजेला रॉडेल ने, तो यहां दोनों आंसर ठीक हो जाएंगे, ए और बी, एक लिखने वाला और एक ट्रांसलेट करने वाला, दो नाम होते हैं हमेशा। किस राज्य को भारत का पहला पूर्ण रूप से ई गवर्न राज्य घोषित किया गया है? भारत का पहला ई गवर्न्ड स्टेट कौन सा होने वाला है पूर्ण रूप से? तो यहां सब कुछ ई कर दिया गया, ऑनलाइन कर दिया गया, मतलब सर ये एक ही राज्य की पॉसिबिलिटी लगती है, वो होगा केरला राज्य।
76वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहां आयोजित की गई है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हमेशा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस में की जाती है और यह 1948 में बना था संगठन। 76वीं बार इसकी बैठक कहां हो रही है, जेनेवा में, यही WHO का मुख्यालय भी है सर। बिल्कुल इसका PDF मिलेगा आपको और ये PDF आपके पास रहेगा कहां पर, तो सर अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो आपको ये मिलेगा इसके कमेंट बॉक्स के अंदर पिंड कर, और ऐप में अगर आप हैं तो ये आपके ऐप में जहां नोट्स डेली आते हैं आपके वहीं पर टॉप 100 के नाम से आ जाएगा, और साथ में इसके जो पूरे महीने के सारे क्वेश्चनों का कंबाइंड PDF है वो भी आपको ऐप में मिल जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू करा गया है, डिजिटल अभियान शुरू करा गया है डिजिटल लेनदेन को बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा, यानी समर्थ नाम का अभियान होगा। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए, जो भारत में स्विमिंग फेडरेशन है ये अहमदाबाद गुजरात में इसका हेड ऑफिस है, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो याद रखें RN जयप्रकाश होंगे स्विमिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किन दो राज्यों ने आपस ही सहमति से समझौते पर हस्ताक्षर किए, बताइए भाई। पर्यटन परिदृश्य को बेहतर करने उसको बढ़ावा देने के लिए सर अभी गोवा और उत्तराखंड, यानी प्रमोद सावंत और पुष्कर सिंह धामी, इन दोनों ने एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। सुशासन नियमों को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, जिन्होंने गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के जो नियम है उनको अप्रूव किया और राज्य में लागू किया जाएगा, ये एकनाथ शिंदे जी ने अनाउंस किया, यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा। तो महाराष्ट्र सुशासन नियमों को लागू करने वाला, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होगा मुझे लगता है एग्जाम के लिए, महाराष्ट्र आंसर होगा इसका। IITM मतलब मद्रास, IIT मद्रास ने वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता करा होगा, वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा IIT मद्रास का इसराइल के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, इसराइल के साथ मिलकर होगा सर। हाल ही में किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के सभी जिलों में 2 लवकुश वाटिकाओं की स्थापना करने की बात की है, हर जिले में 2 लवकुश वाटिका होंगी और यहां 50 जिले हैं इस राज्य के अंदर, और ये राज्य राजस्थान है जहां पर चुनाव होने वाले हैं बिल्कुल, तो इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। किस राज्य में तंबाकू युक्त चबाने योग्य खाद्य पदार्थ को निर्माण और बिक्री पर 1 साल का प्रतिबंध और बढ़ा दिया है, यानी तंबाकू जो होंगे बेसिकली ना उसका निर्माण किया जाएगा ना बेचा जाएगा, 1 साल प्रतिबंध को और बढ़ा दिया है तमिलनाडु सरकार ने। आसानी से याद हो जाएगी सारी बातें बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। 2023 से 2025 तक के लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन जो है इसके नए अध्यक्ष के रूप में ड्रीम 11 के जो होंगे यहां पर उनका नाम होगा हर्ष जैन, और ड्रीम 11 के भी अध्यक्ष हैं ये, इसके भी अध्यक्ष होंगे अगले 2 या 3 साल के लिए। किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो खैबर नाम से क्या होगा भाई, राम राम भाई गवन, चलिए बताइए जल्दी से। खैबर नाम का जो मिसाइल है सर ये लॉन्च करा गया रिसेंटली ईरान के द्वारा है खैबर, तुर्की के द्वारा आया था टाइफून नाम से और नूरी नाम से साउथ कोरिया लाया था भाई। किस भारतीय सुपर कंप्यूटर को वर्ल्ड के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में 75वें रैंक मिली है, 75th रैंक मिली है, और यह भारत का सुपर कंप्यूटर होगा, उसका नाम रखा है एरावत नाम का कंप्यूटर 75th पोजिशन पर होगा वर्ल्ड के टॉप 500 में। नए संसद भवन के द्वार का नाम क्या होगा, तो नए संसद भवन जो दिल्ली में बनाया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, जिसके 3 द्वार होंगे, शक्ति द्वार, ज्ञान द्वार और कर्म द्वार, आप कहोगे सर यहां तो सारे ही सही दे दिए, कोई गलत नहीं है, सारे सही होंगे। केंद्र सरकार ने नई संसद के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया है, तो कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया है भारत सरकार ने हाल ही में, क्योंकि आजादी के भी 75 साल हो गए और हमारी संसद को एक बार दोबारा से बनाया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, 75 रुपीज का कॉइन होगा। भारत ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के लिए
12 बिंदु विकास योजना की घोषणा की है। सर किस देश ने की है? तो जवाब में दे चुका सर, सर ये तो भारत ने ही की है। 12 बिंदु रखे पैसिफिक कंट्रीज में, जो कि 14 देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, फिजी आता है, पापुआ निगिनी, अभी मोदी जी यहां पर सब जगह होकर आए, सारे पैसिफिक कंट्रीज ही थी। मुंबई में बांद्रा वर्सोवा सी लिंक जो होगा, यानी समुद्र पर बना हुआ पुल जो कि बांद्रा और वर्सोवा को जोड़ेगा, इसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो याद रखना, वीर सावरकर जी के नाम पर होगा। तो वीर सावरकर के नाम पर बांद्रा वर्सोवा सी लिंक होगा। हाल ही में नूरी नाम का रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है अपने, और यह ऐसा करने वाला पहली बार वाणिज्यिक कैटेगरी का यह सैटेलाइट लॉन्च किया गया नूरी के नाम से। मैंने आपको पहले भी बताया नूर के नाम से जो होगा वो ईरान का होगा, और नूरी के नाम से जो होगा वो साउथ कोरिया का होगा। साउथ कोरिया का, कंफ्यूज मत होना, नॉर्थ और साउथ में साउथ कोरिया का होगा नूरी के नाम से। किस अभिनेता को स्मार्टफोन ब्रांड रियल मी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? रियल मी का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रियल मी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान यहां सही आंसर होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। किस बैंक ने श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को नया सीएमडी बनाया है, यानी सीएमडी और सीईओ बनाया है? तो ये कौन से बैंक से होने वाले हैं सर? श्री कृष्णन हरिहर शर्मा तो याद रखना कर्नाटक बैंक के नए एमडी और सीईओ होंगे। अगला क्वेश्चन है, असम की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई? ये बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर ये गुवाहाटी तक रन करेगी। जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच जो वंदे भारत ट्रेन चलेगी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया, उसको हरी झंडी दिखाई और रवाना किया है ऑनलाइन तरीके से। आखिरी सवाल है आज के टॉप 100 के अंदर, कौन सा देश नेपाल में एक जल विद्युत परियोजना को स्थापित करेगा यहां की एक रिवर पर, और उस रिवर का नाम अरुण रिवर होगा बेसिकली, और ये नेपाल में भारत के द्वारा किया जाएगा कि हाइड्रो पावर जहां पर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड कंपनी के द्वारा, और याद रखिए ये नेपाल में होगा भारत के द्वारा। ये है आज के हमारे पास टॉप 100। अब सवाल यही है यहां पर कि भाई इतने सारे पॉइंट हमने सर पढ़ लिए हैं, लगातार हमने चीजों को याद कर लिया, लेकिन सवाल ये आता है मेरा कि आप लोगों ने जो पूरे महीने मेरे साथ पढ़ा था, उस पूरे महीने को पढ़ने के बाद आपको क्या रियलाइज हुआ सर कि हम इतने सारे क्वेश्चनों की अगर बात कर रहे थे तो लगभग इसमें से आपने कितने गलत किए? क्योंकि सही गिनने का टाइम तो आपके पास नहीं होगा मैं जानता हूं, लेकिन आप गलत को तो गिन ही सकते हैं कि गलत कितने किए। सर 4 रॉन्ग रहे और 5 अटेम्प्ट नहीं किए, बिल्कुल बहुत बढ़िया करा आनंद आपने, 90 प्लस रहा आपका स्कोर। यानी सर क्षितिज के 93 रहे यहां पर, और सौरभ कह रहे 70 रहे। सर बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, भाई जिन्हें पढ़ा ही नहीं था वो अलग बात है। और यहां पर गरिमा कह रही है 25 यानी 75 सही हो गया आउट ऑफ 100 अगर हम बात करें आपके कमेंट को लेकर। तो ओवरऑल हम ये जानते हैं कि अगर एक बार पढ़ने से ही मात्र आप 100 में 75 ठीक कर रहे हो, कोई 93 ठीक कर रहा है, कोई 95 ठीक कर रहा है अगर, और इस तरीके से अगर आप एक बार और रिवाइज कर लोगे, यानी जो भी मन में डाउट आ रहा है जिन क्वेश्चनों को लेकर, अगर सर इनको एक बार पढ़ने का मौका और मिल जाए तो शायद ये 25 जो गलत है ये 5 गलत रह जाएंगे, 20 और करेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, क्या याद रखना है? अब सर ये तो हो गया आज पूरा, लेकिन इसके बाद बताइए तो देखो कल से, कल 1 जून से पहले तो समझ लीजिए आप सभी लोग जो है वो कैरियर विलैप के फ्री बैच कैटेगरी में रहिएगा। और मैं आपको बताऊं अब करंट अफेयर्स के लिए हम वक्त को थोड़ा सा कम और करने वाले हैं इस बार, क्योंकि वक्त को कम करने का जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि आपके पास इतना सारा कंटेंट होता पढ़ने के लिए, तो उतने बहुत सारे कंटेंट के लिए आपके पास वक्त की जरूरत होती है, और इसीलिए करंट अफेयर के टाइम को हम रिड्यूस करेंगे ताकि यहां का बचा हुआ टाइम आप दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करें, दूसरी चीजों को सीखें। हम डेली करंट अफेयर करेंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम कम यूज करेंगे ताकि जब हम रिविजन कर रहे होंगे तब हम उस टाइम को एक्सचेंज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको डेली करंट अफेयर के अलावा अब जीके भी कराने वाला हूं कल से, यानी हर क्लास में अगर हम करंट अफेयर पढ़ेंगे तो 5 से 10 मिनट हम लोग जीके का कोई टॉपिक भी करेंगे ताकि जीके पे आने वाले सवाल आपके जो हैं वो भी सॉल्व हो जाए। होपफुली सभी लोगों के लिए बेहतर होगा क्योंकि सर स्टेटिक जीके लगभग हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि जीके का मतलब जो होता है वो जनरल अवेयरनेस से होता है और यह हर एक एग्जाम का हिस्सा भी रहता है। किसी भी राज्य से रिलेटेड हो चाहे किसी भी देश से रिलेटेड हो, कोशिश करेंगे कि हम रिलेट करती हुई जीके को एक साथ करें, 10 मिनट हर दिन जीके के लिए भी लेकर आए। तो होपफुली आप सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कि ये कैसा रहेगा शेड्यूल, और सभी लोग जुड़ जाइएगा क्योंकि
ये बेहतर होने वाला है आपके एग्जाम को अच्छा बनाने में। जो जो जरूरत होंगी हम इसी तरीके से आगे कवर अप करने वाले हैं सर। तो चलिए भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कल से नई चीजों की शुरुआत करने वाले हैं। थैंक यू।